हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक इन योर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11 लेकर आ रहा हूं। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एफ इक्वल टू होता है कैपिटल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। उसको फील्ड भी किए, F इक्वल टू होता है, जो कूलम्स लॉ था वो F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एफ आर एन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये था कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ में डिस्कस करने के बाद आप लोगों को कुछ है प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करवाया, जो सीबीएसई बोर्ड में आया था, आईटीजे मेंस में भी आया था, और कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम भी था। सब कुछ क्लियर कराने के बाद आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के बारे में जानने से पहले आपको कूलम्स लॉ के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने क्या किया है, कूलम्स लॉ के वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो प्लीज आप क्या करिए, प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में खोजिए कूलम्स लॉ कहां पे है, कूलम्स लॉ के वीडियो को देखिए, इसके बाद उसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, फिर आप क्या करिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आज आपके माइंड जो दिमाग में डाउट बन रहा होगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एक्चुअली में इसका नीड क्या है। लोग कहते हैं ना वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ ऐसा होता है, तो एक्चुअली उसका रहस्य क्या है। जो आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, एसडी करते हैं, उसका लॉजिक क्या है, उसको पढ़ने का फायदा क्या मिला, क्या उसका कोई एडवांटेज है, तो ये सब डाउट आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कहीं भी बीच में स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देते हैं, हो सकता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में ना आए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। सब्सक्राइब करना चैनल हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इस चैनल पर आपको क्लास 12 के फिजिक्स के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टिंग से इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स तक जितना भी लेक्चर होगा मैं सब क्या करूंगा, इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा और आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। आपको एक पैसा भी नहीं देना है, एक पैसा भी नहीं देना है, और आपको सारा का सारा मैटर मिलेगा, वो भी सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगा, न्यूमेरिकल के साथ मिलेगा, आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। तो ये सब कहीं और नहीं मिलेगा, तो इसलिए क्या करिए, प्लीज वॉच टू वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जितने दोस्त हैं सबके पास क्या करिए, वीडियो क्लिक को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब हो। और आपके पास अगर ज्यादा मोबाइल है तो क्या करिए, सभी मोबाइल से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए वीडियो को पूरा देखिए अच्छे से, उसको फील करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स जो मिलता है वो फील करने की मिलता है। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास, डिस्कस अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। स्टूडेंट, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, कुछ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। यानी कि अगर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आएगा, आपको पता है कि कूलम्स लॉ में फोर्स के बारे में बताया जाता है, और फोर्स हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होगा, वेक्टर क्वांटिटी से। वो जो कॉन्सेप्ट होगा किससे रिलेटेड होगा, वेक्टर क्वांटिटी से। कॉन्सेप्ट पहला ये है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये आपको सबको पता है।
वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है डायरेक्शन होता है। और अगला यह है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको कैसे हम दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो सपोज कर लो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, एक मैंने कहा वेक्टर है, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं ये, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है वेक्टर ए को ए इंटू ए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर ए कर टू, यहां पे वेक्टर ए कर टू स्टूडेंट होता है यहां पे ए इंटू ए का। यहां पे जो ए है ये ए, यहां पे ए मैग्नीट्यूड को शो करता है, ए किसको शो करता है मैग्नीट्यूड को, और जो आपका ए कैप है ये होता है डायरेक्शन। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी हमारा था उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है डायरेक्शन, और इसी चीज को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का कुछ और तरीका है, जैसे आपका वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो आप क्या बोलेंगे ए, ए बोल सकते हैं ना, और इसको और कैसे राइट कर सकते हैं हम मॉडुलस ऑफ ए, ऐसा भी आपने सुना होगा, अगर ऐसा कहीं पर इसका मतलब क्या है मैग्नीट्यूड की है, किसकी बात है ये मैग्नीट्यूड की। तो स्टूडेंट एक चीज और ध्यान से, यहां से एक बात निकल के आ रही है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर कर देते हैं हम, ध्यान समझिएगा वेक्टर क्वांटिटी क्या कर दे स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, यही तो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, क्रॉस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, स्क्वायर में, स्क्वायर में क्रॉस नहीं, तो ये क्या होता है मैग्नीट्यूड बन के आता है लास्ट में, तो आप ऐसे ले ड्राइव कर सकते हैं ए स्क्वायर, ये हो गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है तो उसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो तो वही क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी के स्क्वायर होने का मतलब क्या है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना। और यहां पर मैं एक बात और राइट करता हूं, जैसे यहां पर राइट हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू ए इंटू ए कैप, अगर मैं बोलूं ए कैप कितना होगा तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन ए, या फिर वेक्टर ए अपॉन ए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ये कॉन्सेप्ट है। पहले मैंने क्या बताया कि वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है डायरेक्शन होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है इस तरीके से होता है, इसको मैं ऐसे राइट करते हैं, जहां पे ए क्या होता है मैग्नीट्यूड को शो करता है, ए कैप इसको शो करता है डायरेक्शन को शो करता है, ओके। और इसी को हम क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट जो वेक्टर होता है हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और इसका वो फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ए, या फिर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब मैग्नीट्यूड को आप वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसको फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी की स्क्वायर करने का मतलब यह है कि आप क्या कर दीजिए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, बस इतना ही करना है। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा, ओके। तो टेक द स्क्रीनशॉट, ओके स्टूडेंट, हम सपोज कर लेते हैं कि आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, दो चार्ज है एक Q1 है और एक क्या है Q2 है। ऐसा हम सपोज कर ले रहे हैं कि जो दोनों चार्ज है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, रिपल्सन फोर्स है, यानी कि लाइक चार्ज है। जो दोनों चार्ज Q1 Q2 मैंने सपोज किया, वो कैसे चार्ज सपोज कर लिया हूं मैं,
लाइक चार्ज। तो अब इसलिए क्लियर है उनके बीच कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल होगा, यानी कि जो चार्ज होंगे धक्का मारेंगे, रिपल करेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि जो चार्ज Q1 है इस पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो वेक्टर F12, तो इस पर यह भी फोर्स लगाएगा उसको वेक्टर F12। अब स्टूडेंट ये भी समझो ध्यान से कि अगर इसके साथ इधर फोर्स लग रहा है तो इधर डायरेक्शन भी तो होगा, तो Q2 से डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कौन इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर इंडिकेट करता है ना। तो Q2 से Q1 की ओर जो आपका यूनिट वेक्टर होगा वो R कैप टू वन, और Q1 से इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो R कैप वन टू वन। इस तरफ यूनिट वेक्टर R कैप टू वन, इस तरफ यूनिट वेक्टर क्या है R कैप वन टू वन, ठीक है। और यहां पे जो समझते हैं, यहां पे हम ध्यान से सपोज कर लेते हैं Q1 और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर था वो वेक्टर R और वेक्टर R2 है। कंसीडर द यहां समझिएगा, कंसीडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 and Q2 is a vector R1 and vector R2. Respectively, Q1 में जो पोजिशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर R1 है, और इसका पोजिशन वेक्टर क्या है, वेक्टर R2 है। पोजिशन वेक्टर मतलब ये हुआ कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता नहीं है उसमें मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है चार्ज का वो Q1 है और इसका डिस्टेंस कितना है Q2 है। तो चलो अब आप वेक्टर F12 निकालो, वेक्टर F12 आप क्या बोलेंगे, वही फॉर्मूला वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर राइट कर दो आर स्क्वायर। अब इसके साथ डायरेक्शन भी तो होगा, वो डायरेक्शन कौन होगा, आर कैप, डायरेक्शन कौन होगा आर कैप होगा। ये तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, ये एक्चुअली में आर क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, आर क्या है इनके बीच का डिस्टेंस, तो वो आर कैप वन टू भी हो सकता है और आर कैप टू। यहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन का कोई, मैं आर की बात कर रहा हूं, वेक्टर आर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर वेक्टर आर की बात होता तो यहां पे डायरेक्शन से मतलब होता, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इनके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, आर वन टू या फिर आर टू वन। तो यहां पर क्या बोलेंगे, आर वन टू या फिर आर टू वन, ये हो गया। तो अब यहां पे राइट करो इसको, यहां पे बेटर एफ वन टू इक्वल टू वन अपान फोर पे एफ एन जीरो क्यू वन क्यू टू। अब इसको क्या सपोज कर सकते हैं, यहां पे देखो ध्यान से, इस तरफ की बात हो रही है एफ वन टू की तरफ, और ये एफ वन टू की तरफ कौन डायरेक्शन लिया गया है, आर कैप टू वन, तो आर किसके इक्वल कर दोगे, आर कैप टू वन के। तो यहां पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर आर टू वन का स्क्वायर इन टू आर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर किसके इक्वल होगा, इधर वाला है तो आर कैप टू वन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर कितना होगा आर, यहां पे कैप लगी बेटा वेक्टर। तो
अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, वेक्टर एफ वन टू वन अपॉन फोर पाई एफ एन नॉट के वन क्यू टू अपॉन, यहां पे पावर वन इसका पावर टू पावर थ्री कर दो, यही है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। यही क्या है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, फिर से समझते हैं। या फॉर तुम्हारे इस फॉर्मूले से किया, हमने कहा उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर वन टू भी हो सकता और आर टू वन भी हो सकता, उनका मैग्नीट्यूड लिया गया, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं था इसलिए मैंने ले लिया, तो ऐसा कर दिया। फिर हमने कहा कि एफ वन टू की बात कर रहे हो, तो जब एफ वन टू की बात की जा रही है तो एफ वन टू की तरफ डायरेक्शन कौन है, इधर कौन है, टू वन है ना, तो आर किसके इक्वल कर देना है, आर टू वन की, मैंने आर टू वन कर दिया। और आर कैपिकल टू क्या होता है, वेक्टर आर, आर कैपिकल टू यहां पर राइट कर देते हैं, आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर, आर कैपिकल टू वेक्टर आर अपॉन आर। तो देखो वेक्टर आर कौन लिया, तो मैंने आर कैप टू वन लिया, क्योंकि इस तरफ का बात है ना, तो आर कैप वेक्टर आर टू वन हो गया अपॉन ही हो गया, इसका पावर थ्री हो गया, इसका पावर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका पावर क्या रहेगा, थ्री रहेगा। ये क्या है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब सिमिलरली ये तो एफ वन टू है, ऐसे आप एफ टू वन भी निकाल सकते हैं, वेक्टर एफ टू वन, बस चेंजमेंट का यहां पे वन टू यहां पे टू वन था ना, तो यहां पे टू वन वहां पे क्या हो जाएगा वन टू वन अपॉन फोर पाई एफ एन नॉट क्यू वन क्यू टू, ये देखिए। तो दोनों क्या है, दोनों क्या है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो इसमें देखिए वेक्टर फॉर्म आया नहीं है, इसमें मैग्नीट्यूड भी चल रहा था और क्या है डायरेक्शन भी हो गया, सब चीज इसमें है। अगर आप यहीं पे छोड़ देते, यदि कुछ लोग इसको भी सही बोलते हैं ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तकलीफ मत लीजिएगा, ये भी सही है, क्योंकि इसमें भी क्या मैग्नीट्यूड है, कहीं कहीं सिंपल बुक में जो होता है ऐसे ही राइट होता है, तो ये मैग्नीट्यूड भी है और ये क्या है उसका डायरेक्शन भी है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि मैं समझा रहा हूं, आगे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर बी ए, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या होता है माइनस वेक्टर बी ए। तो अब यहां पे वेक्टर आर वन टू है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं माइनस वेक्टर आर टू वन, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूं तो उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाता है, ये हो गया, समझ में आई। तो वेक्टर आर वन टू कर टू क्या हो गया माइनस वेक्टर आर टू वन, तो यहां पे उस ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू वन क्यू टू, इसको टू वन राइट कर सकते हैं, यहां पे माइनस वेक्टर आर टू वन। और ये क्या है भैया, मान सको अगर मैं आगे कर दूं तो आप ये क्या है वेक्टर एफ वन टू, और इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, न्यूटन का जो थर्ड लॉ था कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या करती है एक्शन करती है, तो ये भी क्या करेगी उस पर उतना ही एक्शन करेगी, उतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है ना वो अपोजिट, देख रहे हैं आप यहां पे भी, तो अपोजिट मतलब क्या, निगेटिव साइन,
F1 to F2 के इक्वल है, बट नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब दिशा क्या उनका बदला हुआ है। ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी क्या कर रहा है उस पे भी फोर्स लगा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब एक वस्तु, जब एक बॉडी क्या करती है, दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाती है, दूसरी भी क्या करती है उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, बट उनका रिएक्शन क्या होता है अपोजिट होता है। तो इसलिए ये था बेटर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो यहां तक मुझे लगता समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, तो दैट्स विल बी क्लियर, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें आप बताइएगा, तो उसमें भी क्या होगा आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।